साथ ऐसा नहीं है, हम लोग का पोस्टिंग किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। अगर जैसे डिस्ट्रिक्ट में रहता पोस्टिंग तो हम लोग भी अपने फैमिली को साथ में रख सकते हैं। हम लोग का पोस्टिंग किसी ग्रुप सेंटर में है जहाँ हम लोग साथ में बहुत सारा लड़का रहते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगा वहाँ पर। हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं एक्साइज नीतीश आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि क्या बिहार पुलिस मद निषेध में फैमिली को साथ में रख सकते हैं या नहीं। वीडियो पर जाने से पहले जो जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार पुलिस मद निषेध से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आपका भी कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने के भरपूर कोशिश करेंगे कि हम रिप्लाई दे दें। कुछ ऐसे कमेंट आ जाते हैं जिसका रिप्लाई देना हम सही नहीं समझते हैं, इसी वजह से कुछ कमेंट का रिप्लाई हम नहीं दे पाते हैं। तो मैं आज वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि क्या बिहार पुलिस मद निषेध में जहाँ हम ड्यूटी करते हैं वहाँ अपने फैमिली को साथ में रख सकते हैं या नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं, जब आप किसी जिला में पोस्टेड होंगे, जिस जिला में आपका पोस्टिंग रहेगा वहाँ पर आप फैमिली को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रखेंगे। जब आपका मन रहता है कि हम फैमिली को साथ में रखेंगे तो आप रख सकते हैं, बट हम लोग के साथ ऐसा नहीं है। हम लोग का जिला में पोस्टिंग नहीं है, एक ग्रुप सेंटर में है जहाँ पर हम लोग साथ में पूरा लड़का रहते हैं। एक रूम में करीब 10, 12, 18 लड़का रहते हैं तो वहाँ पर फैमिली को कैसे रख सकते हैं। बाहर में भी अलाउ नहीं है कि हम लोग रूम लेकर रह जाएं। पर जैसे ही जिला में जाएंगे, जिला में ऐसा बात नहीं है, आप जिला में जाते ही प्राइवेट रूम ले लीजिए, वहाँ पर अपना फैमिली को रखिए। क्वार्टर तो इतना बड़ा पोस्ट नहीं है हम लोग का कि क्वार्टर मिल जाएगा। एक कॉन्स्टेबल का आप लोग जान ही रहे हैं कि कितना बड़ा पोस्ट है। तो वहाँ पर जाने के बाद बैरक मिलेगा, बैरक में आप रह सकते हैं। तो बैरक में कैसे फैमिली को रखिएगा, जो वो एक बैरक मिलेगा उसमें 10 लड़का साथ में रहेंगे तो वहाँ पर कैसे फैमिली को रख सकते हैं। हाँ, पर आपका मन रहेगा तो आप बाहर में भी रह सकते हैं, वहाँ पर अपना फैमिली को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर जो जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप लोग पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर तो कुछ लोग पूछते हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, उनका मैसेज भी नहीं पढ़ पाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।